सो वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। आज की वीडियो के लेट होने के पीछे की रीजन दोबारा से पाकिस्तान के चल रहे छोटे मोटे इश्यूज थे, जिनकी वजह से यहाँ पर इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो को प्रॉपरली टाइम पर अपलोड नहीं कर पाया और शायद से इन इश्यूज का सामना आपको कुछ दिन और करना पड़ सकता है। सो बिना किसी देरी के हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन साउथलैंड की एपिसोड 259 पर। अनाइम टाइम मोमेंट्स से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर तांगसेन अपना एग्जाम दे रहा था और वहीं पर बीबी दोंग ने सी गॉड हाल पर कब्जा कर लिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं सारे शेक डेवल्स को बीबी दोंग ने कैप्चर कर लिया होता है, जिसके साथ ही तांगसेन बीबी दोंग से कहता है तुमने मेरे टीममेट्स को अभी तक किल नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारा यहाँ पर आने का गोल कोई और है, तुम यहाँ पर किसी को किल करने के लिए नहीं आई। जिसके साथ ही तांगसेन बीबी दोंग से प्रॉपरली ये पूछता है आखिरकार यहाँ पर आने का तुम्हारा असल मकसद क्या है, जिस पर बीबी दोंग हल्की सी स्माइल देती है और उसी के साथ ही तांगसेन से कहती है तुमने बिल्कुल ठीक गेस किया है, मैं यहाँ पर किसी को भी किल करने के लिए नहीं आई। हालांकि मुझे इस बात के बारे में अच्छे से पता है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान चल रहे ग्रजिस काफी ज्यादा डीप और काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम से चलते आ रहे हैं, मगर मुझे इस बात का पता नहीं था कि तुम्हारा इस टाइम के लिए सी गॉड का इनहेरिटेंस एग्जाम चल रहा होगा, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा सच में शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी वजह से ही अभी अभी सी गॉड आईलैंड को कंकर कर लिया है। अगर मैं तुम्हें सच में बताऊँ तो मैं तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, तो चलो फिर तुम मेरे साथ इस तरह की कोई डील कर लो। अगर तो तुम मुझे सर्व करने के लिए तैयार हो जाते हो और मेरे गुलाम बन जाते हो तो मैं तुम्हारे सारे शेक डेवल मॉन्स्टर्स को यहीं पर रिलीज कर दूंगी। मगर उसी के साथ ही शाओवू ये बात सुनते ही सबसे पहले तांगसेन से कहती है तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम अपने एग्जाम को कभी भी मत रोकना और हमारे लिए अपने एग्जाम का सेक्रीफाइस मत करना। जिसके साथ ही दाई मोबाइल तांगसेन से कहता है शाओवू बिल्कुल ठीक बात कर रही है, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि तुम अपना एग्जाम छोड़कर हमारी हेल्प करो और इन बैड गाइस के साथ अपना हाथ मिला लो। मगर उसी के साथ ही बीबी दोंग दोबारा से तांगसेन से कहती है चलो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक और ऑप्शन रख देती हूँ, अगर तुम मेरे गुलाम बन जाते हो और मुझे सर्व करना स्टार्ट कर देते हो तो उसके बाद मैं सी गॉड आईलैंड के सेक्रेट टावर के सातों के गार्डियंस को भी रिलीज करवा दूंगी और ये लोग भी जिंदा बच जाएंगे। मगर उसी के साथ ही तांगसेन जैसे ये थोड़ा सा सीरियस होने की कोशिश करता है तो बीबी दोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसी की वजह से बीबी दोंग दोबारा से तांगसेन को कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर हमारा मुकाबला कर सकते हो या फिर तुम्हारे पास कोई और चॉइस मौजूद है, अभी के बाद तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन मौजूद है और वो मुझे सर्व करना है। अगर तो तुम मेरे गुलाम बन जाओ तो तुम यहाँ पर मौजूद सब लोगों को बचा सकते हो, वगरना उसके बाद मैं तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर मौजूद हर इंसान को ही किल कर दूंगी, क्योंकि अभी के लिए तुम गॉड नहीं बने और ना ही तुम्हारे पास कोई इतनी खास पावर मौजूद है। अगर तो तुम अपनी पावर पर रिलाय करो तो सिर्फ अपनी पावर पर रिलाय करते हुए तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो, ना ही मेरा मुकाबला कर सकते हो। अगर तो तुम इतनी ही ज्यादा पावरफुल हो या तुम्हें अपने ऊपर इतना ही ज्यादा बिलीव है तो तुम सीधा मेरे साथ फाइट करो, अगर तो तुम जीत गई तो उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मगर अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें मेरी बात मानना होगी, तो क्या तुम मेरे साथ इस बात पर शर्त लगाना चाहती हो। मगर ये सुनते ही गोल्डन क्रोकोडाइल शायद से क्या बात सोचता है और उसी के साथ ही आगे आकर एल्डर ऑक्टोपस को यहीं पर किल कर देता है। जिसके साथ ही बीबी दोंग तांगसेन से कहती है मैं तुम्हारे साथ कभी भी इस बात पर बैट नहीं करने वाली, हालांकि मुझे इस बात का पता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अमेजिंग है, मगर अभी के लिए मेरे पास और भी काफी ज्यादा पावर हाउसेज मौजूद है जिन सब का यूज करते हुए मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से क्रश कर सकती हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं गोल्डन क्रोकोडाइल अपनी साउल बॉडी का यूज करते हुए एल्डर ऑक्टोपस की बॉडी को ही ईट कर लेता है, जिसे देखते ही बीबी दोंग काफी ज्यादा स्माइल करने लगती है। जिसके साथ ही गोल्डन क्रोकोडाइल माँ होंगजुन के पास आ जाता है, जिसके साथ ही माँ होंगजुन तांगसेन को हेल्प के लिए आवाज देने लगता है, मगर उसी के साथ ही दाई मोबाइल सबसे कहता है माँ होंगजुन को यहीं पर छोड़ दो, सबसे पहले तुम लोग मुझे किल करो, मगर मेरे पार्टनर को टच करने की कोशिश भी मत करना। जिसके साथ ही बीबी दोंग तांगसेन से दोबारा से कहती है क्या तुम अभी तक डर रहे हो, मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि तुम मरने से तो नहीं डरते, मगर एक बात तुम्हें अच्छे से याद रखनी चाहिए कि अभी के लिए मैं उन सब लोगों की लाइफ को कंट्रोल कर रही हूँ जो सब लोग तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, तो क्या तुम्हें अभी तक डर नहीं लग रहा। जिन सब बातों पर तांगसेन बिलीव नहीं कर रहा होता, क्योंकि तांगसेन के माइंड में कहीं ना कहीं ये बात जरूर मौजूद होती है कि ये सब कुछ रियलिटी में नहीं हो रहा, ये सब सिर्फ एक इलूजन है
जिसके साथ ही बीबीडोंग तांगसेन से कहती है, मुझे तुम्हारी आंखों में डर नजर आ रहा है। मगर तांगसेन उस सब को रेजिस्ट करने लगता है और उसी के साथ ही कहता है, ये सब सिर्फ एक इलोयन है। जिसके साथ ही तांगसेन जैसे ही अपनी आईज को क्लोज करता है और उसी के साथ ही तांगसेन के माइंड का ओशियन दोबारा से उसकी साउल को एक न्यू पावर डिलीवर करना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ ही तांगसेन आंखें खोलते ही बीबीडोंग से कहता है, अभी की करंट एंजल गॉड क्या नेक्शवे ने मुझे अभी से पहले भी काफी मर्तबा हंट करने की कोशिश की है, मगर आज तक मैं कभी भी एक गॉड लेवल के ओपोनेंट से भी नहीं था डरा, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा बिलीव था कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो मैं फाइट करने के काबिल रहूंगा। मैं अपनी पावर को बूस्ट कर लूंगा, मैं अपने ओपोनेंट्स को डील कर लूंगा, अपने ओपोनेंट से बदला ले लूंगा और सब हो रहे बुरे कामों को रोक लूंगा। तो फिर अभी के लिए मैं तुम्हें अपनी फाइनल चॉइस बताता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी सर्व नहीं करूंगा। मैं अपने कोलीग्स को बचाने के लिए तुम्हारे साथ लास्ट मोमेंट्स तक फाइट करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें ये बात भी बताता हूँ कि मैं तुम्हें हर हाल में किल करने वाला हूँ। जिसके साथ ही तांगसेन अपना सी गॉड ट्राइडेंट निकालते ही बीबीडोंग के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ ही बीबीडोंग तांगसेन के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। मगर यहाँ पर तांगसेन के रिएक्शन को देखकर बीबीडोंग भी काफी ज्यादा शॉक होती है और इसी के साथ ही तांगसेन से कहती है, क्या तुम अभी तक नहीं डर रहे? क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि तुम्हारे कितने ज्यादा टीममेट्स की लाइफ खतरे में है और वो सब लोग मारे जा सकते हैं? मगर तांगसेन उसकी कोई बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता और दोबारा से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ ही बीबीडोंग से कहता है, मुझे ये याद करवाने का बहुत ज्यादा शुक्रिया, मगर जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम रियल में बीबीडोंग नहीं हो। बीबीडोंग के जैसा कैरेक्टर हमारी दुनिया में और कोई भी नहीं हो सकता। बीबीडोंग यान नेक्शवे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। बीबीडोंग कभी भी मुझे इस बात का चांस नहीं देगी कि मैं उसे सर्व करूं या फिर मर जाऊं। और इसी के साथ साथ जैसे ही तांगसेन अभी के लिए बीबीडोंग पर अटैक कर रहा होता है तो उसी के साथ ही साथ तांगसेन की साइड्स पर मौजूद स्पेस में क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके साथ ही बीबीडोंग तांगसेन से कहती है, मुझे इस बात के लिए काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हें इलाइट टूर्नामेंट में किल नहीं किया। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, अभी अभी जिस टेक्निक को बीबीडोंग ने यूज किया है इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, जो कि किसी भी गॉड के लेवल से कम नहीं है। और इसी के साथ ही बीबीडोंग तांगसेन से कहती है, हालांकि यहाँ पर अगर सी गॉड भी आ जाए तो वो भी तुम्हें मेरे से नहीं बचा सकता। जिसके साथ ही बीबीडोंग की बॉडी से लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है और इसी के साथ ही यहाँ पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। जिसके साथ ही तांगसेन दोबारा से अपने एग्जाम में वापस आ जाता है और उसी के साथ ही तांगसेन अपनी सिचुएशन को समझते ही कहता है, अभी के लिए मुझे समझ आ चुकी है कि मेरा ये सी गॉड का सारा एग्जाम ही सिर्फ एक टेस्ट था। जिसके साथ ही हमें आवाज आती है, तांगसेन ने अपने सी गॉड एग्जाम के 9th ट्रायल की 4th स्टेज को पास कर लिया है और इसी के साथ ही तांगसेन की टाइगर व्हेल किंग की साउल बोन अपीयर हो जाती है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, मैं इस बात के लिए काफी ज्यादा अमेज हूँ कि ये सब सिर्फ एक टेस्ट था, ये रियलिटी में नहीं था हो रहा। जहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस एग्जाम में मेरे फियर को टेस्ट किया जा रहा था। सी गॉड मुझे अच्छे से समझते हैं और उन्हें इस बात का भी अच्छे से पता है कि मुझे अपनी सेफ्टी से कभी भी डर नहीं लगा, बल्कि मुझे अपने टीममेट्स की सेफ्टी से डर लगता है और मैं उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। अगर तो रियल में बीबीडोंग मुझे मेरे टीममेट्स का यूज करते हुए डराने की कोशिश करती, क्या मैं अपनी लाइफ का यूज करते हुए भी उसके साथ फाइट कर सकता था? जो सब बातें तांगसेन के माइंड में घूम रही होती हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं सारे शेक डेवल्स के व्यू पर, जो कि सारे ही रिलैक्स होकर अभी तक इस एनर्जी की साइड पर मौजूद होते हैं और इसी के साथ ही माहोंग चुन सबसे कहता है, मैं सच में इस बात से काफी ज्यादा डर रहा था, मगर अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर सेन अपने एग्जाम की इस स्टेज पर आने के बाद इस एग्जाम से भी नहीं भाग सकता। जिसके साथ ही ऑस्कर कहता है, हालांकि सी गॉड ने यहाँ पर काफी ज्यादा क्रूर मेथड को यूज किया है, मगर फिर भी तांगसेन की इस एग्जाम की रेटिंग काफी ज्यादा मिसिंग थी। जिसके साथ ही माहोंग चुन उसके साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और उससे कहता है, क्योंकि ब्रदर सेन को इस बात का पता है कि तुम्हें मरने से काफी ज्यादा डर लगता है, जिसकी वजह से ही वो तुम्हें बचा रहा था। और यहाँ पर माहोंग चुन और ऑस्कर दोबारा से अपने रेगुलर टाइम्स की तरह फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं तांगसेन को, जिसको के माइंड का काफी ज्यादा हैवी शॉक लगता है और इसी के साथ ही तांगसेन की माइंड कंडेंसिंग बोन बाहर आ जाती है, जहां पर तांगसेन के एग्जाम की 5th स्टेज का स्टार्ट हो चुका होता है और यहां पर तांगसेन की विजडम स्कल बोन का एग्जाम चलने वाला होता है। मगर जैसे ही तांगसेन की ये साउल बोन उसकी बॉडी से अलहदा हो रही होती है तो इसमें काफी ज्यादा इनर्मस एनर्जी मौजूद होती है और उसी के साथ ही शेक डेवल्स के पास से शाओगु टेलीपोर्ट हो जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं, जैसे ही तांगसेन की विजडम स्कल बोन का एग्जाम स्टार्ट होता है तो उसी
के साथ ही तांगसेन एक न्यू प्लेस पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां पर आते ही टोटल एनवायरनमेंट एक पार्टी का होता है और यहां पर तांगसेन ने भी बाकी के मौजूद सारे लोगों की तरह ही मास्क पहना होता है। और उसी के साथ ही तांगसेन यहां पर आते ही सारे सीन को देखते ही कहता है आखिरकार नाइन्थ एग्जाम की इस देश में क्या होने वाला है। जिसके साथ जैसे ही तांगसेन आगे बढ़ता है तो उसी के साथ ही तांगसेन के सामने सेक्रेट टावर की सी विच भी मौजूद होती है, जिसे देखते ही तांगसेन कहता है आखिरकार सेक्रेट टावर की गार्डियन यहाँ पर क्या कर रही है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जिसके साथ ही सी विच माइक पकड़ते ही कमेंट्री करना स्टार्ट कर देती है और उसी के साथ ही कहती है आज के दिन इस एग्जाम में काफी ज्यादा स्पेशल मेथड को यूज किया जाने वाला है, जहाँ पर हम लोग तुम्हारे ड्रीम में से किसी न किसी सबसे ज्यादा बिलव्ड पर्सन को यहाँ पर बुलाने वाले हैं और तुम्हें उसके साथ ड्रीम डांस करना होगा, जहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें काफी ज्यादा ब्यूटीफुल वुमेन्स भी मौजूद हैं, जिन सब ने मास्क वियर कर रखे हैं, तो क्या तुम उन सब में अपनी बिलव्ड गर्ल को ढूंढ सकते हो। जिसके साथ ही तांगसेन काफी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है क्या शाओवू को भी यहाँ पर समन किया गया है। और इसी के साथ ही सी विच दोबारा से तांगसेन से कहती है इस बात का तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना होगा कि तुम्हारे पास अपने ट्रू लवर को मास्क के अंदर ढूंढने का सिर्फ एक ही चांस मौजूद है और तुम्हें किसी भी हालत में फेल नहीं होना, क्योंकि ये तुम्हारा लव का एग्जाम है। जिसके साथ ही तांगसेन शाओवू को ढूंढना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ ही साथ टाइम पास होना स्टार्ट हो जाता है, जहां पर तांगसेन शाओवू को ढूंढते ढूंढते काफी ज्यादा आगे आ चुका होता है, मगर अभी तक उसे शाओवू नहीं मिलती। जिसके साथ ही तांगसेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है आखिरकार मुझे शाओवू क्यों नहीं मिल रही, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि शाओवू को इस डांस पार्टी में बुलाया ही ना गया हो। मगर उसी के साथ ही तांगसेन की साइड पर काफी ज्यादा शाओवू के क्लोन्स जमा हो जाते हैं, जिन्हें देखकर तांगसेन और भी ज्यादा शॉक होता है और उसी के साथ ही कहता है आखिरकार यहाँ पर शाओवू के इतने ज्यादा वेरिएंट्स क्यों मौजूद हैं। और इसी के साथ ही शाओवू तांगसेन से कहती है तुम्हें क्या लगता है मेरे इन सारे क्लोन्स में से मैं रियल में कौन हूँ। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है हालांकि शाओवू के इन सारे क्लोन्स को देखने में ही फर्स्ट टाइम के लिए ये सारे ही सेम शाओवू की तरह ही लग रहे हैं, मगर फिर भी मुझे इन सब में देखने में थोड़ा थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। जिसके साथ ही तांगसेन इन सारे क्लोन्स में डिफरेंस करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ ही एक क्लोन को देखते ही कहता है इसके तो बनी के ईयर्स ही मौजूद नहीं है। सेकंड शाओवू की हाइट काफी ज्यादा है और इसकी बॉडी का साइज रियल की शाओवू से काफी ज्यादा चेंज है। जिसके साथ ही तांगसेन शाओवू के बाकी के दोनों क्लोन्स में से लिप्स का यूज करते हुए डिफरेंस करने लगता है, जिसके बाद बचती है यहाँ पर सिर्फ दो शाओवू जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे की तरह काफी ज्यादा सेम लग रही होती हैं, जिन्हें देखकर तांगसेन काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है और इनमें से कौन सी शाओवू रियल है। तांगसेन उसे ढूंढने में भी काफी ज्यादा मुश्किल में आ जाता है और इसी के साथ ही कुछ देर के बाद तांगसेन कहता है इनमें से एक की बॉडी में थोड़ी देर पहले ही ड्रिंक करने की स्मेल मौजूद है और उसी के साथ ही साथ एक की बॉडी में ग्रास की स्मेल मौजूद है। जिसके साथ ही तांगसेन रियल वाली शाओवू के सामने आ जाता है और आते ही अपने और उसके मास्क को रिमूव करते ही उससे कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ, जिसे के शाओवू एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ही तांगसेन का ये एग्जाम भी कंप्लीट हो जाता है। जिसके साथ ही शाओवू तांगसेन से कहती है मुझे इस बात का डर था कि तुम इस डांस पार्टी में मौजूद मेरी तरह के गर्ल्स के इतने ज्यादा क्लोन्स को देखकर थोड़े से झिझक जाओगे और इस एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे, मगर तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लिया है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है मेरी साइट्स पर जितने भी ज्यादा वुमेन्स को गैदर क्यों ना कर दिया जाए, मैं तुम्हें फिर भी बहुत ही आसानी से ढूंढ सकता हूँ। जिसके साथ ही शाओवू तांगसेन को लेकर एक और प्लेस पर चली जाती है और इस डांस पार्टी से बाहर आ जाती है, जिसे देखते ही सारे शेक डेवल्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं और उसी के साथ ही रोंग रोंग कहती है क्या ये सच में शाओवू थी। मगर उसी के साथ ही जुजुचिंग इन सब को डांस पार्टी हॉल में मौजूद इस क्लॉक को देखने का कहती है, जो कि जुजुचिंग को दिखने में काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।